नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। ये पहली तस्वीर मणिपुर की आप देख रहे हैं। ये जो पहली तस्वीर मणिपुर की है, जो पिछले 3 महीनों से हिंसा की आग में जल रहा है। अब ये आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। ये दूसरी तस्वीर जो है आप देख रहे हैं, ये हरियाणा के मेवात और सोहना जिले की है, जहां सोमवार को मणिपुर जैसे हालात हो गए। ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि इस वक्त पूरे देश में खौफनाक मंजर है। लोग पूरी तरह से डरे और सहमे हुए हैं कि कब कहां क्या हो जाए। हरियाणा में हुई खौफनाक घटना का कौन है जिम्मेदार? इस हिंसा की जड़ें कहां से फैली हैं और कहां से जुड़ी हैं? इस खौफनाक घटना को किसने दी हवा? इस पूरी घटना की तह तक आपको लेकर चलेंगे। बस आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। राष्ट्रीय राजधानी से 100 किलोमीटर दूर मेवात में हुई हिंसा की, हरियाणा के मेवात और सोहना में 2 समुदायों के बीच जबरदस्त बवाल हुआ है। देखते ही देखते हिंसा की आग गुरुग्राम फरीदाबाद तक पहुंच गई। यहां दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। करीब 90 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और आगजनी की गई। इस तनाव की शुरुआत नूह से हुई, जहां ब्रज मंडल यात्रा के दौरान 2 गुटों में टकराव हुआ और देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि पत्थर के साथ गोलियां भी चली। गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित अंजुमन मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने मस्जिद में आग लगा दी। हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें 2 होमगार्ड भी शामिल हैं। पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में 45 के करीब लोग घायल हुए हैं। हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हिंसा को देखते हुए नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट पर 3 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। इसके अलावा गुरुग्राम फरीदाबाद और रेवाड़ी में धारा 144 लागू कर दी गई है। इन जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा से सटे राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां से 4 तहसीलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने नूह जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए केंद्र से 1 हफ्ते के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की 20 कंपनियां मांगी हैं। इन्हें जिले की संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा। मेवात में शुरू हुई हिंसा हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुड़गांव तक पहुंच गई है। हिंसा की आग उत्तर प्रदेश तक ना पहुंचे, इसके लिए योगी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। तत्काल प्रभाव से हरियाणा और मथुरा की सीमाएं सील कर दी गई हैं। इसके साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर समेत हरियाणा से जुड़े यूपी के जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल नूह जिले के नंदगांव के पास विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को ब्रज मंडल यात्रा निकाली। ये यात्रा मेवात में शिव मंदिर के सामने से ब्रज मंडल यात्रा निकाली जा रही थी। इस ब्रज मंडल यात्रा में बजरंग दल के कई कार्यकर्ता भी शामिल थे। तिरंगा पार्क के पास पहले से खड़ी भीड़ ने पथराव कर दिया। बताया जा रहा है कि लोग भिवानी में जुनैद और नासिर की हत्या के आरोपी और बजरंग दल के प्रांत गोरक्षक मोनू मानसेर के मेवात आने के ऐलान से गुस्से में थे। झड़प के दौरान वाहनों को आग लगा दी गई और पथराव शुरू कर दिया गया। इस साल फरवरी में नासिर और जुनैद की मौत पर दर्ज FIR में मोनू मानेसर का नाम था। उनके जले हुए अवशेष हरियाणा के भिवानी जिले में एक बोलेरो में पाए गए थे। जुनैद और नासिर की हत्या के आरोपी मोनू मानेसर ने पहले ही वीडियो शेयर कर यात्रा में अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने की अपील की थी। इतना ही नहीं, मोनू मानेसर ने कहा था कि वह खुद भी इस रैली में शामिल होगा। हालांकि मानेसर इस यात्रा में नहीं आया, लेकिन बिट्टू बजरंगी नाम के कथित गोरक्षक के शामिल होने पर तनाव बढ़ा। नूह में दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर बवाल काटा और तभी ये पथराव हुआ। अब इस हत्या का जिक्र हुआ है तो इस हत्या के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मोनू मानेसर नासिर और जुनैद हत्याकांड में वॉन्टेड है। हरियाणा के भिवानी में लोहारू के बारवास गांव के एक
जली हुई बोलेरो में 16 फरवरी को दो कंकाल मिले थे। मृतकों की पहचान नासिर, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही थी, और जुनैद, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, उनके दो कंकाल मिले थे। इन दोनों की हत्या के बाद ही मोनू मानेसर चर्चा में आया था। दोनों मृतक राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। परिजन ने नासिर और जुनैद के अलावा होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों का भरतपुर से अपहरण किया। इस अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने बजरंग दल और गौ रक्षक दल के मोनू मानेसर समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज कराया था। जुनैद और नासिर की हत्या का मामला गौ तस्करी से जुड़ा होने का दावा किया गया था। दरअसल जुनैद पर गौ तस्करी के 5 मामले दर्ज थे, जबकि नासिर का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिला था। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर मोनू मानेसर है कौन। मोनू मानेसर का पूरा नाम मोहित है। वह मानेसर का रहने वाला है, इसलिए लोग उसे मोनू मानेसर के नाम से जानते हैं। पिछले 10-12 साल से बजरंग दल से जुड़ा है। वह पिछले कुछ सालों से गौ तस्करों के मुठभेड़ में मुख्य चेहरे के तौर पर सामने आया है। मोनू पर युवक को गोली मारने का भी आरोप लग चुका है। मोनू काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का भी सदस्य है। नो में भड़की हिंसा को काबू में पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है। ऐसे में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में गुरुग्राम में से मेवात फोर्स भेजा गया है। तो इस बीच हमलावरों ने मेवात से गुरुग्राम जा रही पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव कर दिया। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए, तो वहीं होमगार्ड नीरज व होमगार्ड गुरुसेवक की मौत हो गई। अन्य सभी घायल पुलिसकर्मियों का मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। इतना ही नहीं, हिंसा के चलते सैकड़ों लोग मंदिर में फंस गए। दावा किया जा रहा है कि उन्हें भीड़ ने घेर लिया, उन पर पथराव किया गया। हालांकि बाद में पुलिस बल ने सभी का रेस्क्यू किया। हरियाणा का मेवात नू इलाका गौ तस्करी के विवाद से पहले से बेहद संवेदनशील रहा है। ये इलाका देश की राजधानी से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर है। देखते ही देखते नू हिंसा की आग कुछ ही देर में हरियाणा के सोहाना और गुरुग्राम तक पहुंच गई। सोहना इलाके में भी दोनों पक्षों की तरफ से गाड़ियों में आग लगा दी गई। दोनों ही पक्षों की ओर से पत्थर चलाए गए। सोहना में भीड़ ने कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की, तो एक गाड़ी को आग लगा दी। सोहना में कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि उन्होंने प्रशासन को 6 महीने पहले ही यात्रा के बारे में बताया था। यात्रा के साथ हरियाणा पुलिस के कुछ जवान भी थे, मगर जैसे ही हंगामा बरपा, पुलिस वाले भाग गए। हिंदू परिषद का कहना है कि चाहे जान चली जाए, लेकिन हम यहां से नहीं जाएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि एक पक्ष कई दिनों से इस भगवा यात्रा का विरोध कर रहा था, और आखिरकार यात्रा में हंगामा हो ही गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पथराव की घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने पुलिस से अनुमति मिलने के बाद मेवाल में यात्रा निकाली। हालांकि जब यात्रा नंदगांव पहुंची, तो दूसरे समुदाय के लोगों ने यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया। अस्पताल के आसपास के जिलों से पुलिस टीमों को मेवात में तैनात किया जा रहा है। उन जगहों पर हेलीकॉप्टर से जवानों को भेजा जा रहा है जहां सड़कें अवरुद्ध हैं। विज ने लोगों से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की है। इसी बीच नूह के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी बताया है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंटरनेट सेवाएं 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दी गई हैं। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी जानकारी दी है कि सभी फंसे हुए लोगों को बचा लिया गया है। एक ही हताहत होने की संभावना है, सूचना सामने आ रही है। स्थिति अब सामान्य है, जिले में कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सोहना में स्थिति तनावपूर्ण है, माहौल में शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सोशल मीडिया पर किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट के लिए सख्त कानूनी की चेतावनी दी है।
हरियाणा के नूह में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अन्य नेताओं ने पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर लोगों से राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। सीएम खट्टर ने बताया कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम ने सभी लोगों से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में कई एफआईआर दर्ज की गई है। कुल 70 लोगों को अभी हिरासत में ले लिया गया है। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा, आगे भी हालात सामान्य रहेंगे, ये हम सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सभी से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। बता दें, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने सभी वर्ग के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि मेवात के लोगों ने हमेशा भाईचारे की मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि भाईचारा बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा सरकार ने नूह जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए केंद्र से एक सप्ताह के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की 20 कंपनियां मांगी हैं। ये कंपनियां 31 जुलाई से एक हफ्ते के लिए मांगी गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि हरियाणा के सोहना में भड़की हिंसा को देखते हुए केंद्रीय बलों की 15 अतिरिक्त कंपनियां भेजी जा रही हैं। नूह के साइबर थाने पर भी हमला किया गया। यहां तैनात सिपाही ने बताया कि हजारों की संख्या में भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। थाने के बाहर गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आगजनी की गई। भीड़ ने थाने की गेट तोड़ने की कोशिश की, जब नहीं टूटा तो बस ले आए और बस से थाने की दीवार तोड़ दी गई। इसके बाद पथराव किया गया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पथराव की घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने पुलिस से अनुमति मिलने के बाद मेवात में यात्रा निकाली। हालांकि जब यात्रा नंदगांव पहुंची तो दूसरे समुदाय के लोगों ने यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया। आसपास के जिलों से पुलिस टीमों को मेवात में तैनात किया जा रहा है। उन जगहों पर हेलीकॉप्टरों से जवानों को भेजा जा रहा है जहां सड़कें अवरुद्ध हैं। विज ने लोगों से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की है। बता दें, मेवात की ओर से उत्तर प्रदेश और हरियाणा की ओर से जा रहे वाहन चालकों से मारपीट की गई है। घायलों को होडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई मासूम बच्चे भी इस हिंसा का शिकार हुए हैं। दंगे का शिकार घायल रोते हुए ये कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर उनका क्या कसूर था। अब देखना ये होगा कि ये पुलिस विभाग अब अंकुश लगा पाती है कि नहीं। ऐसा हो सकता है या और भी स्थिति बिगड़ सकती है। पल पल अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार।